Hello student, good morning. Welcome to the President online class. Today we will discuss about addition, add and match, write the missing numeral. आज हम लोग डिस्कस करना है add and match, write the missing numeral के बारे में. ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं. Add and match. Add means क्या होता है? जोड़. Match means होता है मिलाना. ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाए, एक साथ मिलाया जाए, उसका एक योग बन के जो भी आता है, एक सम बन के आता है, वह उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन. ठीक है, एडिशन मीन्स होता है जोड़ना, ऐड मीन्स होता है जोड़, मैच मीन्स होता है मुझे मिलाना. ठीक है, देखिए अब हमको करना क्या है यहाँ पे, कि करना ये हमको कि जैसे यहाँ पे बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं, दो नंबर्स है, 3 and 2. 3 + 2 इक्वल टू कितना होता है? 5. ठीक है, अब यहाँ पे डाइस में 5 डॉट्स बने होंगे. ठीक है, अब 5 डॉट्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे मैच किया गया है. ठीक है, अदर साइड जिस इसके अब हम फिर से देखेंगे कि 5 जो डाइस है यहाँ पे, ठीक है, हम कौन सी ऐसी संख्याओं को जोड़ेंगे, कौन से ऐसे नंबर्स को जोड़ेंगे कि 5 हो. ठीक है, उसके लिए सिंपल है, 3 + 3 = 6, 2 + 3 = 5. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 5 से ऐसे मैच कर देंगे. मैच हो गया. चलिए अब आते हैं नंबर 4 + 2. 4 + 2 कितना होता है? 4 + 2 = 6. ठीक है, अब हम लोग डाइस में देखेंगे कि नंबर 6 और डॉट्स कहाँ हैं. ठीक है, 6 कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे है नंबर 1 पे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 = 6 हुआ, तो हम 6 डॉट्स पे ऐसे मैच कर देंगे एक लाइन ड्रॉ करके. अब हम अदर साइड देखेंगे कि 6 कहाँ है. दो संख्याओं को हम जब जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए. ठीक है, दो नंबर्स को अगर हम जोड़े तो 6 आना ही चाहिए. तो यहाँ पे देखिए 3 + 3 = कितना होता है? 6 होता है. तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे मैच कर देंगे. क्लियर? अब आप लोग खुद से करिएगा इसको. ठीक है, आप लोग बुक में भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो. जिसके पास बुक है वो बुक में करना, और जिसके पास कॉपी, जिसके पास बुक है नहीं, वो कॉपी पे ऐसे नंबर्स लिख के ऐसे एक डाइस बना के उसमें डॉट 3 4 5 बना के उसके बाद मैच कर सकते हो आप लोग. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा ऐड. इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको जोड़ना है दो संख्याओं को. ठीक है, यहाँ पे 2 + 7. 2 + 7 = 9. 2 + 7 = 9. अगर आपके पास बोला जाए कि अब आपसे बोला जाए कि आपके पास जो एक बास्केट है, बास्केट में 2 मैंगोज़ हैं. ठीक है, 2 मैंगोज़ हैं, और उसमें से अलग से आके 7 मैंगोज़ और उस टोकरी में डाल दिए, उस बास्केट में डाल दिए, तो हम नंबर्स जितने भी मैंगोज़ होंगे उसको हम अगर काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 + 7 = 9. ठीक है, एक मेथड ये है कि हम लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं. 2 के लिए हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे. जैसे 2 के लिए मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दिया. अब 7 के लिए, नंबर 7 के लिए हम 7 लाइन ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. अब हम क्या करेंगे, सभी जितने भी लाइंस हमने ड्रॉ कर रखा है सभी लाइंस को हम काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितना हुआ? 9. हमारे यहाँ पे कितना आया? 9. यानी 2 + 7 = 9. ठीक है, 2 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9. चलिए अब यहाँ पे हमारा 1 + 3. 1 + 3 = 4. क्लियर? 3 + 5 = 8. 4 + 1 = 5. ऐसे करके आप लोग जितने भी नंबर्स हैं ये आप लोग खुद से लिख के या बुक में भी आप लोग ऐड कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडिशन ये भी है
3 plus 6 इक्वल टू 9, 5 plus 2 इक्वल टू 7, 3 plus 3 इक्वल टू 6, ठीक है। आप लोगों को मेथड मालूम है, आप लोग उंगली पे भी गिन सकते हो, लाइन ड्रॉ करके भी गिन सकते हो, सॉरी ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग खुद से जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राइट द मिसिंग न्यूमरल। न्यूमरल मैंने क्या बताया था, न्यूमरल आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी डिजिट को, ठीक है, जब भी डिजिट को हम लोग एक नया शब्द देते हैं, जैसे हम मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डिजिट्स हैं सारे, ठीक है। अब हम डिजिट में से हम किन्हीं दो नंबर्स को निकाला, मैंने मान लो मैंने 1 और 2 को निकाल के एक नया वर्ड बना दिया, 1 2, यानी 1 2 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 1 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो जो 12 है वो हमारा न्यूमरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूमरल हो जाएगा। तो डिजिट को जब हम लोग एक वर्ड में लिखते हैं वो मेथड हमारा क्या होता है, न्यूमरल होता है। अब हमको देखना ये है कि यहाँ पे दो बॉक्स बने हुए हैं, देखिए दो बॉक्स है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, दो बॉक्स जो है दोनों ब्लैंक है, दो बॉक्स इक्वल टू ऐसे, टू बॉक्स इक्वल टू 5, यानी हमको ये करना है कि हम किन्हीं कौन से ऐसे दो नंबर्स को जोड़ेंगे कि उसका जो है हमारा सम जो है 5 हो, योग 5 हो। हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं 5 के लिए, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, 2 plus 3 भी ऐड कर सकते हैं, 4 plus 1 भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 5 plus 0 भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम 5 में कुछ भी ऐड नहीं करें तो हमारा 5 ही हुआ, ठीक है। चलिए एक हम नंबर लेते हैं, जैसे कि 4 plus 1, 4 plus 1 इक्वल टू 5, 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 plus 1 इक्वल टू 5, अब यहाँ पे है 6, ठीक है, 6 है। अब हम कौन से ऐसे दो नंबर्स को, दो न्यूमरल को हम जोड़ेंगे, दो नंबर को हम ऐड करेंगे कि हमारा एक नंबर बन के आए, दो एक सम आए 6, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे 3 plus 3 इक्वल टू 6, 3 और 3 को हम अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग ये सभी क्वेश्चंस आप लोग खुद से करिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ऐड द नंबर इन ईच बॉक्स ऑन द लेफ्ट, ड्रॉ लाइन टू मैच योर आंसर विद द करेक्ट नंबर ऑफ डॉट ऑन द राइट, ठीक है। राइट साइड में हमारे बहुत सारे बॉक्स में डॉट्स बने हुए हैं, लेफ्ट साइड हमारा नंबर्स है, दो नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 7 plus 2 इक्वल टू 9, ठीक है, 7 plus 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि बॉक्स में 9 डॉट्स कहाँ पे हैं, काउंट करें हम लोग, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 plus 2 इक्वल टू कितना हुआ, 9, और ये 9 डॉट्स हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके एक दूसरे से मैच कर देना है, क्लियर है। चलिए नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग, नंबर सेकंड है 6 plus 1 इक्वल टू 7, 6 plus 1 इक्वल टू 7 हुआ। अब हम देखेंगे कि बॉक्स में 7 डॉट्स कहाँ पे हैं, चलिए काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डॉट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 से 7 ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग खुद से ये वाला करिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ऐड द ऑब्जेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है ये जितने सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, दो बेल हैं, सॉरी नंबर्स ऑफ 5 and 5 sorry 6 है, ठीक है, 5 बेल एंड 6 बेल, ठीक है।
अब हम इन सभी बेल्स को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम काउंट करते हैं पहले 1 2 3 4 5 नंबर 5, ठीक है। ये जो हमारा है ये प्लस का साइन है, यानी हमको हमको नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। चलिए ये बेल को हमको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6, 5 + 6 = 11, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 11। ऐसे बटरफ्लाई, स्ट्रॉबेरी और ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं मालूम, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए अब हमको यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस हैं। सेम क्वेश्चंस ये है कि 8 + 1 को हमको ऐड करना है, 8 + 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम अदर साइड देखेंगे, राइट साइड में पिक्चर्स बने हुए हैं, पिक्चर्स हमारे 9 होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट साइड में हमारा 8 + 1 है तो हमारा 8 + 1 = कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब पिक्चर में हम लोग काउंट करते हैं 9 कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 है, 1 2 3 3 हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, हमको चाहिए 9, 1 2 3 4 5, हमको 9 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा है 9। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके आप लोग कंप्लीट खुद से करिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा। आज आप लोगों का ये चैप्टर एडिशन वाला ख़त्म हो चुका, कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।